दोस्तों, जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से किसी भी कंपनी या संस्था के स्वास्थ्य के लिए उसको स्मार्ट और हेल्दी होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो संस्थाएं बीमार हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे वो 7 नियम जो कंपनी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, उसकी स्मार्टनेस के लिए, उसकी हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। और ये 7 बातें जिस किताब से मैंने ली हैं, उस किताब का नाम है द एडवेंटेज, जिसे लिखा है पैट्रिक लेंसियोनी ने। बहुत शानदार किताब है दोस्तों। आप बने रहिए मेरे साथ इस किताब के सफर पर और देखिए कैसे ये किताब आपकी संस्था के स्वास्थ्य को बेहतर करने में आपको जिम्मेदार और कामयाब दोनों बनाने का काम करेगी। तो चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला प्रिंसिपल, फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट बी स्मार्ट एंड हेल्दी। दोस्तों, किसी भी संस्था के या कंपनी के स्वास्थ्य का अर्थ है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की प्रोडक्टिविटी पैदा करने की क्षमता, वहाँ एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम, वहाँ का माहौल यानी वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, इसे हम कंपनी की हेल्थ कह सकते हैं। और कंपनी की स्मार्टनेस का अर्थ है कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या टेक्नोलॉजी हो, वो किस तरह से स्मार्ट हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, कंपनी की स्मार्टनेस और कंपनी की हेल्थ, एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आए, तो आपको इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। आपको स्मार्टनेस भी चाहिए और आपको हेल्थ भी चाहिए। तो दोस्तों, अपने शरीर और दिमाग को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, आइए जानते हैं अगले चैप्टर्स में। दोस्तों, किसी भी कंपनी की लीडरशिप के पास 3 किस्म के बायस होते हैं। पहला बायस होता है सोफेस्टिकेशन बायस। सोफेस्टिकेशन बायस के अंदर उन्हें लगता है कि वो बहुत सोफेस्टिकेटेड दिखने चाहिए, ये उनका काम नहीं है कि उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में उनको पता हो या उनका हाल चाल जानने में उनकी कोई दिलचस्पी हो। वहाँ का वातावरण किस तरह का है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ कंपनी की प्रोडक्टिविटी से मतलब है, उन्हें सिर्फ कंपनी की स्मार्टनेस से मतलब है। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल जाते हैं कि कंपनी यदि स्मार्ट है और हेल्दी नहीं है तो वो उसी शरीर की तरह से है जिसका दिमाग तो काम करता है लेकिन शरीर में बीमारियां लगी हुई हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी बनाना, तो आपको ये सोफिस्टिकेशन बायस से दूर रहना होगा। दूसरा बायस है एड्रेनलिन बायस। एड्रेनलिन बायस का अर्थ है कि व्यक्ति हर टाइम काम के बोझ के तले दबा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास इतना ज़्यादा ऑलरेडी काम है, क्यों वो कंपनी की हेल्थ की तरफ ध्यान दे, क्यों कंपनी के एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे, क्यों कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा मजबूत करे, क्यों लोगों के रिलेशनशिप पे और ज़्यादा काम करे। तीसरा बायस है क्वांटिफिकेशन बायस। इस बायस के अंदर क्वांटिटी मापी जाती है। लीडर्स वो काम नहीं करना चाहते जिन कामों को मापा नहीं जा सके, वो ऐसे काम करना चाहते हैं जिनकी क्वांटिटी निर्धारित हो सके, इसलिए इसे क्वांटिफिकेशन बायस कहते हैं। दोस्तों, वो ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व हो, ताकि पता लग सके कि कितना पैसा किस मद के अंदर खर्च हो रहा है। वो कंपनी को हेल्दी बनाने के लिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा टाइम जाया होता है, उन्हें ऐसे लगता है। लेकिन कंपनी को हेल्दी बनाने के लिए इन सारे बायस से बाहर आना ही होगा। तीसरा प्रिंसिपल, बिल्ड ए कोहेसिव टीम। जी हाँ दोस्तों, एक हेल्दी और स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी सफलता की दर पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रहे, तो आपको कोहेसिव टीम बनानी होगी। कोहेसिव का अर्थ होता है रियल टीम। जी हाँ दोस्तों, 3 से 12 लोगों की छोटी टीम अच्छी मानी जाती है एफिशिएंसी लेने के लिए, प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। यदि आपकी टीम में इससे कम मेंबर हैं या इससे ज़्यादा मेंबर हैं तो ये प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और उनकी आपस की बॉन्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं रह पाते। दोस्तों, कोहेसिव और रियल टीम का अर्थ ये है कि जब उनको अपने ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल क्लियरली पता हो और उसको पूरा करने के लिए वो सारे एकदम और एक तरह से एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड होकर कंसंट्रेटेड वे से काम करें। दोस्तों, जब इस तरह की टीम बनेगी और इस तरह का फोकस्ड काम होगा तो बहुत ही अच्छी कंपनी की हेल्थ बनेगी। दोस्तों, चौथा लेसन है 5 बिहेवियरल प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ये 5 किस्म के बिहेवियरल प्रिंसिपल होने चाहिए। पहला, वल्नरेबिलिटी बेस्ड ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रस्ट के अंदर एक दूसरे पे बहुत अच्छी तरह से फेथ किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि आप मुझसे बेहतर हैं, आप ये काम मुझसे बेहतर जानते हैं, या ये काम मैं आपसे अच्छा नहीं जानता, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। जब हम अपनी समस्या अपने किसी कुलीग को या अपने बॉस को बिल्कुल रियल वे में बता पाते हैं, तब उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का बिहेवियर यदि हम इनकल्केट कर पाएँ अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब वहाँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बनता है। दूसरा प्रिंसिपल, नो फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब उनके अंदर ये डर नहीं होता कि आपस में कोई लंबा चौड़ा भेदभाव होगा, तब कंपनी की हेल्थ अच्छी बनती है। इसलिए ऐसा माहौल पैदा करने के लिए काम कीजिए जहाँ पर कन्फ्लिक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएं, मिनिमम हो जाएं। तीसरा प्रिंसिपल, कमिटेड टू डिसीजन। जो एक बार कंपनी ने डिसीजन ले लिया, जो एक बार लीडरशिप ने डिसीजन ले लिया, और जब वो डिसीजन फ्लोट होता है नीचे की हायरार्की पर, उसको सब एम्प्लॉइज माने, सारे लोग माने, इसे कमिटेड टू डिसीजन कहा जाता है। दोस्तों, जब सारे के सारे कंपनी की ग्रोथ के लिए, एक गोल के लिए पूरी डेडिकेशन से, डिवोशन से काम करते हैं और उन डिसीजंस की परवाह करते हैं, उन डिसीजंस को सम्मान देते हैं जो अपर हायरार्की द्वारा लिए गए हैं, तब कंपनी बहुत अच्छी बनती है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इस बात के साथ ही कि हमें हर डिसीजन का सम्मान करना है, हमें अकाउंटेबिलिटी भी समझनी है। जो काम हमें दिया गया है, जो काम हमें अंततः गतवा करना है, उसके लिए हमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। यदि हम जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं, यदि हम जिम्मेदारी के प्रति प्रोएक्टिवली काम करते हैं, तब कंपनी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। और पांचवा प्रिंसिपल है डिलीवर रिजल्ट। दोस्तों, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे एक ही गोल की तरफ काम करते हुए जब असली चीज यानी रिजल्ट देते हैं, जो काम करने के लिए उन्हें बोला गया है, उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करते हैं और रिजल्ट देते हैं, तब कंपनी ग्रोथ की राह पर चल देती है। और पांचवा लेसन है आस्क 6 क्रिटिकल क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, सभी लीडर्स को और सभी एम्प्लॉयज़ को अपने आप से ये 6 क्वेश्चन करने चाहिए। ये 6 प्रश्न जब अपने आप से करना शुरू कर देते हैं, तब हम कंपनी की हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई डू वी एग्जिस्ट। हम क्यों हैं, हमारी कंपनी का निर्माण किस लिए हुआ है, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ के लिए खड़ी की गई है। जब हमें इस बात का पता होगा, तब हम कंपनी की वैल्यूज को अपने अंदर इनकल्केट करेंगे और कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में जी जान से लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू वी बिहेव। हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस तरह से लोगों के साथ, अपने साथ और अपने कुलीग्स के साथ बिहेव करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे आपस के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब हम कंपनी को अच्छा माहौल कैसे दे पाएंगे। इसलिए हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ये प्रश्न अपने आप से करना बेहद जरूरी है। तीसरा, व्हाट डू वी डू। हमारा एक्चुअल में काम क्या है, किस काम की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। जब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जब हम अपने दायरे को और अपने वर्क को बैलेंस कर पाएंगे और हमें पता होगा कि हमारे काम का कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है, तब हम उसे बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। और चौथा है, हाउ डू वी सक्सीड। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कामयाब कैसे होंगे। इस काम के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी होती है, टैक्टिक्स लगाने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमें पता होगा कि ये काम करने से हमें रिजल्ट मिलते हैं, तब हम उस तरह की स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को बनाना शुरू करेंगे और हम सफल होंगे। और पांचवा प्रश्न, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। इस समय प्रेजेंट के अंदर क्या सबसे जरूरी काम है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। दोस्तों, हमारी टू डू लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन उस टू डू लिस्ट के अंदर कौन सा काम हमें अभी और आज निपटाना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जानना। तो यदि हमें पता हो कि कौन सा काम हमें राइट नाउ इसी क्षण करना है, आज ही करना है, तब हम ज़्यादा बेहतर उसको कर पाएंगे और कंपनी के साथ कदम ताल करते हुए उसे ग्रोथ देने में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। और छठा प्रश्न है, हु मस्ट डू दैट। जब हमें कामों का पता लग गया, हमें स्ट्रेटजी पता लग गई, हमें पर्पस पता लग गया, मिशन पता लग गया, विजन पता लग गया, तब किस काम को, किस व्यक्ति को करना है,
ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होंगी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, कितना काम करना है, कब तक करना है, ये सारी बातें उसे पता होंगी, तो निश्चित ही वो ज़्यादा बेहतरी से काम कर पाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 6 क्रिटिकल क्वेश्चन जो हर एक एम्प्लॉयज और लीडर को अपने आप से पूछने चाहिए। दोस्तों 6ठा लेसन है मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उसके पीछे बनाने का पर्पज़ क्या है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंपनी का विज़न क्या है, अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। और कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी के मुख्य मूल्य क्या हैं जिनके ऊपर कंपनी काम करके अपने विज़न को और मिशन को पूरा करना चाहती है। ये बातें हर एक कंपनी के एम्प्लॉय को, लीडर को, अपर हायरार्की को, लोअर हायरार्की को, सबको पूरी तरह से पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। और दोस्तों 7वां और अंतिम लेसन है 4 types of meetings। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, लीडर्स और एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मीटिंग बेकार होती हैं दोस्तों, लेकिन मीटिंग्स यदि अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में की जाएं तो इनका बहुत फ़ायदा होता है। और मीटिंग्स ही होती हैं जो कंपनी को ग्रोथ देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन मीटिंग्स के अंदर ही तय होता है कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, आपका कंपिटिटर क्या काम कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, आपको कौन कौन से नए उत्पाद लेके आने हैं, आपको अपने लैकुनास को कैसे फिक्स करना है और बहुत सारी चीज़ें। ये मीटिंग्स ही हैं जो आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराती हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से बनाते हैं। 4 तरह की मीटिंग्स होती हैं, डेली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग और क्वार्टरली मीटिंग। दोस्तों इन चारों का अपना अपना रोल है, मैं किसी अन्य वीडियो के अंदर आपको इन चारों मीटिंग के बारे में डिटेल से अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों ये थे वो 7 शानदार लेसन जो ये शानदार किताब हमें सिखाती है। दोस्तों यदि आप भी अपनी कंपनी की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो आपको द एडवेंटेज किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। और यदि आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।